सो हेलो एवरीवन, सो आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि TWS i12 की, जिस लोगों पे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है कि एक पे ज़्यादा आ रही है, एक पे कम आ रही है, एक पे इस साइड पे ज़्यादा आ रही है, इस साइड पे कम आ रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो फेस आप लोग कर रहे हैं, सो उस पर आज हम लोग बात करेंगे और उसे कैसे सही करना आज उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, इन 3 मेथड को आप फॉलो करिएगा, मे बी आपका सॉल्व हो जाएगा। मे बी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, कुछ ना कुछ आपको रास्ता ज़रूर बताऊंगा मैं। बट गाइस, आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कई सारे TWS i12 पे। देखिए, ये ट्रिक्स किसी पे काम कर जा रही, किसी पे काम नहीं कर रही, तो मे भी शायद आप पे काम कर जाए और हम कोशिश करेंगे कि आपका सही हो जाए। और भी जो सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही तो इस पर भी बात करूँगा। और अगर आप गाइस मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, जिसपे अलग अलग टॉपिक से वीडियो बना दिया है TWS i12 के नाम पे ही। ठीक है, किसी का चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो चार्जिंग से रिलेटेड, किसी का पेयरिंग प्रॉब्लम है तो पेयरिंग से रिलेटेड, किसी का सेंसर, किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम और एक्सेट्रा, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चार्ज करना, वो सारी चीज़ें मैंने TWS i12 प्लेलिस्ट में बना कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही। बट अभी हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले करना क्या है आपको, इसको जैसे ही करने के बाद सबसे पहले आप इसको चार्ज कर ले, जो इसकी केबल दी रखी है, देख रहे हैं यार आप इसको इस केबल से चार्ज कर लें। मैक्सिमम 1 आवर बहुत है, इससे ज़्यादा चार्ज ना करें, तो इससे ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चार्ज करने के बाद आपको करना क्या है गाइस, आपको अब जाके अपने मोबाइल की सेटिंग्स चेंज करनी होगी, जो भी मोबाइल्स में सेटिंग्स है, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वहाँ से करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पर अबाउट सेक्शन, अबाउट फ़ोन पे जाना है। आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हो, अबाउट फ़ोन सब में रहता है, तो अबाउट फ़ोन जाने के बाद आपको वर्जन को 5-6 पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर वर्जन पे ऑन हो गया, यहाँ पर दिख रहा है नो नीड फॉर ऑलरेडी डेवलपर मोड, तो मैंने डेवलपर मोड ऑलरेडी ऑन रखा है। ठीक है, तो आप वर्जन पे जाकर 5-6 पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ पर दिख जाएगा आपको डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, ये आपको दिख गया है। ठीक है, इनेबल टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम, ये आपका ऑफ होगा। ठीक है, तो आपको इसको ऑन करना है। ठीक है, तो इसे ऑन कर लेंगे, अगर मे भी आपको अंदर से इंटरनली प्रॉब्लम मोबाइल से है जिसकी वजह से साउंड कम आ रही है TWS में, तो मे भी ये ऑन हो जाएगी, उसकी वजह से मे भी शायद इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या, उसके बाद करना क्या है, आपके मोबाइल पे एक साउंड का सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरा भी। सो किसी किसी मोबाइल पे वो यहाँ पर बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जैसे डिस्प्ले में करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ना कूल एंड ऑफ, यानी ये दे रहा है ना, ये इसी तरीके से आप एक साउंड का भी ऑप्शन दे रहा है। देखिए, किसी किसी मोबाइल पे सिस्टम में है या किसी पे नहीं है, तो अगर साउंड सिस्टम का इस तरह से बैलेंस करने के लिए दे रहा है तो इसको बीच में आपको सेंटर पे कर देना है, जैसे कि ये ब्राइटनेस पे दिखा रहा है। ठीक है, सेंटर पे, वैसे साउंड के लिए आपको बीच में कर देना है, जिससे अगर मान लीजिए एक तरफ ज्यादा होगा तो आपको एक तरफ ज्यादा सुनाई देगी, एक तरफ कम, तो ये आपका काम भी कर लेना और आपको सिस्टम पे पूरा वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लेना। इसके बाद करने के बाद, अब उसके बाद गाइस, आपको ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मोबाइल में आपने जितने भी सेटिंग्स कर ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट ये वाला है, आप इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एक चीज़ और पूछ रहे थे कि जो ब्लिंक लाइट करती है इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर ये नहीं कर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि दोनों पे ब्लिंक लाइट नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट, तो ऐसा नहीं है, एक भी करती है तो दोनों कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले आप इसको चार्ज कर लीजिए। और ये भी पूछ रहे थे कि क्या CBC को चार्ज कर लूँगा तो क्या बार बार इसी में हम चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बस करना क्या होता है कि सिर्फ इसमें थोड़ी देर के लिए हमारे लिए मतलब चार्ज हो जाता है, ताकि इमरजेंसी में हम इसको ऐसे करके चार्ज कर सकें, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, बस थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी के लिए चार्ज कर सकते हैं। ऐसे सोचेंगे कि अगर 1 घंटा चार्ज करना, नहीं, 15 मिनट के लिए सिर्फ चार्ज करता है, बाकी थोड़ी देर के लिए ये चार्ज होता है।
इस पे, तो करना क्या आपको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों, ये इसका सेंसर दिया और यहाँ पर इसका माइक दिया। तो अब आप जब गाना सुन रहे होंगे आपका दोनों का कनेक्ट हो जाएगा, तो आप गाना सुनने के बाद मान लीजिए इसी पे प्रॉब्लम है, इस पे साउंड कम आ रही है, इस पे साउंड ज़्यादा आ रही है, तो आपको गाना सुनने के दौरान आपको बार बार टैप करना है इस तरीके से, थ्री फोर टाइम्स बार बार टैप करने के बाद रुक देना, ऐसे करना। ठीक है, तो मे भी इस तरीके से करने की वजह से मे भी किसी पे मैंने देखा कि सॉल्व हो गया है, इसकी इंक्रीज़ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई, यानी कि जब हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो आपने इसमें देखा होगा, इस मैनुअल में ज़रूर लिखा हुआ है कि 3 टाइम टैप करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, तो मैं वही कर रहा था, 3 टैप करने से वॉल्यूम, अगर इस पर प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आपको 3-3 टैप करना है, इसे करके ज़रूर देखिएगा, मे भी सॉल्व हो जाएगी। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सो आई होप, मुझे लगता है ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपकी प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो गए होंगे, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुए या नहीं, और नहीं हुए हैं तो भी मैं कोई ना कोई आपके लिए सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा कॉमेंट पर। और तब तक के लिए बाय गाइस, और ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, अगर फ्यूचर में और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे।